गाइस, हमने गिट के बारे में काफ़ी बात की और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एलियस के बारे में बताना चाहता हूँ कि गिट में किस तरह से एलियस होते हैं, किस तरह आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरह गिट कमांड के तौर पे एक्सटर्नल कमांड को आप लोग रन कर सकते हैं। और ये कोई ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, बट अगेन अगर आप लोगों को याद रहेगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर जल्दी से गिट स्टेटस लिखते हैं और यहाँ पर ब्रांच मास्टर में वर्किंग ट्री क्लीन लिख कर आ रहा है। अभी एलियस होता क्या है, सबसे पहले इस बारे में बात कर लेते हैं। और ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। एलियस का मतलब है कि एक बड़ा कमांड लिखने के बजाय कोई छोटा कमांड लिख दो। फॉर एग्जांपल, मैं अगर गिट स्टेटस लिख रहा हूँ तो अगर मैं गिट स्टेटस ना लिखने के बजाय गिट एसटी लिखना चाहता हूँ तो वो मैं कैसे करूँगा? तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा गिट कॉन्फिग। अगर मान लो अभी मैं गिट एसटी करूँगा तो वो बोलेगा नहीं, एसटी तो मुझे नहीं मिला, क्या चाहते हो? तो मुझसे ऐसे पूछेगा वो। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ गिट कॉन्फिग माइनस माइनस ग्लोबल एलियस डॉट एस टी स्टेटस, कुछ इस तरह मैं लिख दूँ, तो मैंने कह दिया गिट से कि जब भी मैं गिट एस टी लिखूँ उसका मतलब समझ जाना कि मैं स्टेटस कह रहा हूँ, यानी कि एस टी की जगह मैं स्टेटस लिखना चाहता हूँ। और यहाँ पर देखो, मैंने गिट एस टी लिखा तो यहाँ पर गिट स्टेटस रन हो गया। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक बड़े कमांड की बजाय छोटा कमांड लिखकर उसको एलियस दे दिया। अब यहाँ पर तो ये बहुत ज़्यादा आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, आप सोच रहे हो कि गिट स्टेटस तो पूरा लिख लूँगा, लेकिन स्टेटस की जगह एस टी लिखना बहुत अच्छा रहेगा। आप अगर चाहो गिट एस भी कर सकते हो, छोटे रख सकते हो अपने एलियस को। तो वो सारी चीज़ें जो है आप कर सकते हो। जैसे मान लो कमिट करना है आपको, आप चाहते हो कमिट की जगह सी आई हो जाए, डायरेक्टली आपको गिट कमिट ना लिखने की बजाय गिट सी आई अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं। और जैसे आप गिट सी आई लिखेंगे तो ये देखो, ये कह रहा है कि ऑन ब्रांच मास्टर नथिंग टू कमिट, कमिट करने के लिए कुछ नहीं है। और अगर आप गिट कमिट लिखेंगे तब भी वही आएगा। तो यानी कि आप गिट कमिट लिखें या गिट सी आई लिखें, बात एकदम बराबर पड़ने वाली है। अब मान लो यहाँ पर आप कुछ ऐसे करना चाहते हैं, मैंने आपको बताया था कि आप अनस्टेज करने के लिए आप क्या करेंगे। जैसे मान लो मैंने कोई चेंज किया फाइल में, मैं आपको कुछ चेंज करके दिखाता हूँ। फाइल में मैंने फाइल चेंज किया, गेट एस टी करूँगा, स्टेटस करना है वैसे, लेकिन एस टी मैंने एलियस बना रखा है तो एस टी करूँगा, गेट एट डॉट करूँगा, गेट एस टी करूँगा वापस से। और यहाँ पर देखो ये कह रहा है चेंजेस टू बी कमिटेड। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको अनस्टेज करना है तो आप गेट रीस्टोर माइनस माइनस स्टेज्ड कर सकते हो। और ये करने से क्या होता है, ये करने से अनस्टेज हो जाता है, आपकी जो फाइल्स हैं वो अनस्टेज हो जाती हैं, ठीक है। और उसके बाद आप फाइल का नाम दे सकते हो यहाँ पर। तो अगर मैं कुछ ऐसे कर दूँ, यहाँ पर कुछ इस तरह से लिख दूँ, मैं लिखूँगा गेट और उसके बाद मैं लिखूँगा कॉन्फिग और उसके बाद मैं लिखूँगा माइनस माइनस ग्लोबल और मैं कहूँगा एलियस डॉट अनस्टेज। और मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं ये लिखूँ, अनस्टेज लिखूँ, यानी कि गेट अनस्टेज फाइल नेम लिखूँ, तब गेट रीस्टोर माइनस माइनस स्टेज फाइल नेम आ जाए। तो मैं कुछ रीस्टोर माइनस माइनस स्टेज और माइनस माइनस कुछ इस तरह से लिख दूँगा। उप्स, मैंने यहाँ पर गलती कर दी है, मुझे यहाँ पर कुछ इस तरह से इसको कोड के अंदर डालना चाहिए था पूरे कमांड को। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी मैं अनस्टेज लिखूँ तब ये चीज़ रन हो जाए। तो मैं यहाँ पर एंटर मारूँगा और इसके बाद अगर मैं गेट अनस्टेज और उसके बाद जो मेरी फाइल स्टेज्ड है, कौन सी फाइल मैंने स्टेज कर रखी है देख लेता हूँ। मैंने दिस डॉट टी एक्स टी को स्टेज किया हुआ है और मैं ऐसा करके अगर गेट एस टी करूँगा तो देखो ये फाइल अनस्टेज हो चुकी है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने एक एलियस बनाया, मैंने कहा जब भी मैं अनस्टेज कहूँगा, यानी कि गेट अनस्टेज के बाद मैं जो भी लिखूँगा वो गेट रीस्टोर माइनस माइनस स्टेज्ड के बाद यहाँ पर आके रन हो जाए। यानी कि मैं लिखूँ गेट अनस्टेज फाइल नेम या फिर गेट रीस्टोर माइनस माइनस स्टेज्ड फाइल नेम। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से सिंपली मेरी ये फाइल अनस्टेज हो जाएगी। तो मैं इस तरह से यहाँ पर अपनी फाइल को अनस्टेज कर सकता हूँ एलियस की मदद से। तो जहाँ मैं लिखता गेट रीस्टोर फिर माइनस माइनस स्टेज इतना बड़ा, अभी मैंने एलियस बना दिया। तो एलियस बनाने का यही फ़ायदा होता है। अब यहाँ पर एक एलियस और बनाते हैं और वो एलियस होगा, सबसे पहले एलियस बनाने के लिए गिट कॉन्फिग माइनस माइनस ग्लोबल एलियस डॉट, मान लो मैं एलियस डॉट लास्ट बनाना चाहता हूँ और मैं कहता हूँ जब भी मैं लास्ट कहूँ उसका मतलब होगा गिट लॉग माइनस पी माइनस वन। और ये क्या करेगा, ये लास्ट वाला कमिट मुझे दिखा देगा। एंटर मारूंगा और गिट लास्ट,
और ये देखो, इसने मुझे लास्ट वाला कमिट दिखा दिया, यानी कि जो पिछला कमिट मैंने किया था। तो ऐसा करने से क्या हुआ कि मैंने जहाँ पर गिट लॉग माइनस पी माइनस वन लिखना होता, अब मैं सिंपली गिट लास्ट लिखकर इसको रन कर सकता हूँ। और ये काम आप कब करेंगे? ये काम ज़्यादा आप तब करेंगे जब आपको लगता है कि आप बार बार ये कमांड रन कर रहे हो लास्ट कमिट देखने के लिए, बार बार एक ही कमांड रन कर रहे हो, तब वहाँ पर आप लोगों को इस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये था एलियस। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, बट आपकी गिट जर्नी को बहुत ही ज़्यादा सुविधाजनक बनाता है। बहुत ज़्यादा आपको सुविधा होगी इस कमांड का इस्तेमाल करके, बहुत ही आराम से आप लोग अपने काम को कर पाएंगे। जहाँ लंबे लंबे कमांड्स आप टाइप करते थे कल, आज आप एलियस को धन्यवाद करते हुए उनको छोटे या फिर कम कह लेते हैं, कम लेटर्स में, कम की प्रेसेस में टाइप करके आप अपना काफ़ी समय बचाएंगे। अंगेज अगर आप लोगों ने ये प्लेलिस्ट अभी तक एक्सेस नहीं करी है तो इस प्लेलिस्ट को काइंडली ज़रूर एक्सेस करें और मुझे बताएं कमेंट में कि आपको ये प्लेलिस्ट कैसी लग रही है, कैसे आपको क्या ग्रेड समझ में आ रहा है, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो वो क्या है। और अच्छे लग रहे हैं वीडियोज़, थोड़े से भी हेल्पफुल है तो काइंडली लाइक ज़रूर करें। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।